कहानी की शुरुआत में हम एक घर को देखते हैं जहां पर कुछ लोग मिलकर पार्टी कर रहे थे। तभी वहां एक लड़की आती है और खड़े खड़े ही मूंदने लगती है। ये देखकर उसकी मॉम बहुत शर्मिंदा होती है और उसे जमीन पर लिटाकर पेलने लगती है। इसके बाद वो एक फादर को बुलाती है क्योंकि उसे लगता था कि उसकी बेटी पर किसी चुड़ैल का साया है। इसके बाद फादर उसके कमरे में जाकर प्रेयर पढ़ने लगते हैं, मगर उस प्रेयर का उस लड़की पर कोई भी असर नहीं होता और उल्टा उसके अंदर हवस जाग जाती है। इसके बाद वो फादर भी ठरकी बन जाता है और दोनों एक दूसरे को गंदे गंदे इशारे करने लगते हैं। इसके बाद वो चुड़ैल फादर के साथी पर उल्टी कर देती है और ये लोग उल्टी उल्टी खेलने लगते हैं। कुछ देर खेलने के बाद फादर नहा धोकर फिर से प्रेयर पढ़ने लगते हैं, मगर अब भी उस चुड़ैल पर उस प्रेयर का कोई भी असर नहीं हो रहा था। तभी फादर को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी गन निकालकर उस चुड़ैल का गेम बजा देते हैं। इसके बाद हम एक साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ एक प्रोफेसर और एक गंजा टीचर बैठकर बात कर रहे थे। इनके पास एक फाइल थी जिसमें कुछ स्टूडेंट की जानकारी थी। दरअसल ये प्रोफेसर उन स्टूडेंट को लेकर एक भूतिया हवेली में जाना चाहता था ताकि वो ये साबित कर सके कि भूत या चुड़ैल वाकई में होते हैं। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम रोजी है। वो उस हवेली में पहले ही पहुंच जाती है जहां उसे एक तोता मिलता है जो बहुत ही ज्यादा हरामी था। वो उस लड़की से गंदी गंदी बातें करने लगता है। ये देखकर रोजी को बहुत अजीब लगता है और वो वहां से चली जाती है। तभी रास्ते में उसे एक हवेली का केयरटेकर मिलता है जिसका एक हाथ और सामान भी छोटा था। वो रोजी को उसका कमरा दिखाता है और वहां एक हरामी गुड्ढा भी था जो रोजी के पिछवाड़े पर हाथ मारता है। तभी हम उस प्रोफेसर और गंजा टीचर को देखते हैं जिन्होंने पूरी हवेली में कैमरा लगा दिए थे ताकि वो भूतों को कैप्चर कर सके। इसके बाद वो गंजा टीचर उस तोते के पास जाता है और उससे बातें करने लगता है। तभी तोता उस गंजा टीचर को माँ बहन की गालियाँ देने लगता है जिस पर गंजा टीचर भड़क जाता है। तभी वहाँ एक कल्लू कालिया आता है तो वो तोता उस कल्लू कालिया को भी गाली बकने लगता है। इसके बाद रात हो जाती है और हम सब लोगों को एक साथ देखते हैं। तभी वहाँ हवेली का केयरटेकर आकर अपने गंदे हाथों से खाना परोसने लगता है। ये देखकर सबकी सड़क जाती है और बिना खाना खाए सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद रात को रोजी को कुछ आवाजें आती हैं तो वो बाहर जाकर देखती है। तभी वहाँ एक चिकना लौंडा आता है और वो रोजी को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद हम एक और लड़की केली को देखते हैं जो सो रही थी। तभी कोई भूत आता है और वो केली की चादर खींचने लगता है और केली के मुंह में दे देता है। इसके बाद वो उसे हवा में उड़ाकर वहीं पर ही पेलने लगता है। इसके बाद हम एक दूसरे कल्लू कालिया को देखते हैं जो अपने रूम में वर्कआउट कर रहा था। तभी उसे कुछ आवाजें आती हैं। जब वो अपने बेड के नीचे देखता है तो वहाँ वो हरामी गुड्ढा था। वो कल्लू कालिया को बेड के नीचे खींच लेता है और वहीं पर बजाने लगता है। अगले दिन हम उस प्रोफेसर को देखते हैं जो तहखाने में बनी एक लैब में जाता है। वहाँ वो गंजा टीचर भी था। ये दोनों आपस में बातें करते हैं। तभी वहाँ वो चिकना लौंडा आता है और इनकी बातें सुन लेता है और बाहर जाकर सबको बताता है कि इस घर में भूत है। तो सब लोग इस घर से जाने को कहते हैं, मगर चिकना लौंडा बताता है कि कोई भी इस घर से नहीं जा सकता क्योंकि इस घर के सारे दरवाजे लॉक हैं। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो देखने में किसी चुड़ैल जैसी लग रही थी। वो उस प्रोफेसर को अपने पास बुला रही थी। प्रोफेसर भी झूमता हुआ उसके पास चला जाता है और सोचता है ओम फो आज तो धर्राटे काटेंगे। तभी प्रोफेसर उस चुड़ैल का चेहरा देखता है तो उसकी फट के छप्पन हो जाती है और वो चुड़ैल उस प्रोफेसर को वहीं पर मार देती है। प्रोफेसर के चीखने की आवाज बाकी लोग भी सुन लेते हैं जिनकी डर से फटी जा रही थी। वो बेसमेंट में गंजा टीचर के पास जाते हैं तो गंजा टीचर उनसे कहता है कि हम एक शर्त पर ही यहाँ से निकल सकते हैं और वो ये है कि पहले हमें उस चुड़ैल को मारना होगा। तभी हम रोजी और उस चिकने लौंडे को देखते हैं जो उस भूत को ढूंढ रहे थे। तभी रोजी के सामने एक कंकाल आ जाता है और वो उससे डर के भागने लगती है। भागते भागते वो एक काली लौंडिया से टकराती है तो वो लौंडिया रोजी से कहती है कि ये तो सिर्फ एक कंकाल है और उसकी गर्दन मरोड़ देती है। वहीं दूसरी तरफ हम उस पहले कल्लू कालिया को देखते हैं जिसके सामने वही लड़की वाली चुड़ैल आती है, जिसे देखकर कल्लू कालिया की ठरक जाग जाती है और वो उसे अपनी तरफ बुलाने लगता है। मगर जब वो उसका चेहरा देखता है तो उसकी गोटियां मुंह में आ जाती हैं। तभी हम गंजा टीचर को देखते हैं जो भूतों को ढूंढ रहा था। तभी एक व्हीलचेयर वाला भूत आ जाता है और ये दोनों आपस में व्हीलचेयर खेलने लगते हैं और आपस में ही क्रैश हो जाते हैं। इसके बाद वो भूत अब उस केयरटेकर के अंदर आ चुका था। तभी ये तीनों लड़कियां उसका पीछा करती हैं और उस केयरटेकर को वहीं पर ढोल की तरह बजाने लगती हैं। इसके बाद ये लोग भागकर गंजा टीचर के पास जाते हैं तो गंजा टीचर इनसे कहता है कि हमें उस भूत को किसी तरह इस डिवाइस पर लाना होगा।
ताकि उसे मुक्ति मिल सके। तभी रोज ही उस भूत को आवाज लगाने लगती है। तभी एक भूत खिड़की तोड़कर आ जाता है, तो रोजी उस भूत को उस डिवाइस तक लाने में कामयाब हो जाती है। मगर रोजी भी उसी डिवाइस पर खड़ी थी, तभी दूसरा कल्लू काली आकर रोजी को बचा लेता है और उस भूत को मुक्ति मिल जाती है। इसके बाद ये लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि इनकी जान अब बच गई थी। अब इसके बाद हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं, जहां रोजी उस तोते के पास जाती है, मगर वो तोता उससे ठरक वाली बातें करने लगता है और कहता है चलती है क्या 9 से 12। और इस तरह ये झंडू फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।